दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने है ओप्पो की फाइंड एक्स 8 ये सीरीज। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 चिपसेट के साथ है। और भी अगर हम इसमें अच्छी चीज़ें बताएं तो इसमें 6000 एमएएच की बैटरी दे रखा है, सबसे बड़ी बैटरी अब तक की मानी जा रही है। हालांकि ये हो गया चिपसेट, और अगर ये स्मार्टफोन जो सबसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन मतलब चिपसेट है उसकी अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन को उससे भी नवाजा जा सकता है। हालांकि सीरीज़ है फाइंड एक्स 8 है और फाइंड एक्स 8 और एक्स 8 प्रो और अल्ट्रा ये आ रहे हैं स्मार्टफोन दोनों ही, जिसमें 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले और ये फाइंड एक्स 7 अल्ट्रा की जगह लेंगे। हालांकि ये 7 सीरीज़ जो था काफ़ी नीचे दब जाएगा उसके फीचर्स के मुकाबले में। जैसे कि बता दूं कि यहाँ पर 6.7 इंच का डिस्प्ले भी है, 6.8 इंच का माइक्रो कवर फ्लैट डिस्प्ले है और 6.5 इंच की फ्लैट डिस्प्ले है। अब ये प्रो अल्ट्रा की ये दोनों चिप लग के आएंगे। हालांकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 चिपसेट है और ये 6000 एमएएच की बैटरी है। मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि जो महीने के शुरुआत में A3 चीन में लॉन्च किया था और ओप्पो A3 में 695 प्रोसेसर दिया गया था 12GB रैम के साथ 58 MP का था। अब उससे हम मुकाबला अगर करें जैसे कि फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले था तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये काफ़ी कह सकते हैं कि उसी के साथ ये लॉन्च करे ग्लोबल लेवल पे। लेकिन जो X7 अल्ट्रा में जो प्राइस रखी गई थी 70,000 और X7 अल्ट्रा में उसमें लगभग कह सकते हैं कि 82-85,000 रुपये के आसपास में थी, और सबसे लेटेस्ट टू लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3S चिपसेट को लगाया जाएगा, जिसमें आपको और ये चीज़ कंफर्म है कि जो कि ओप्पो फाइंड X7 अल्ट्रा में 8 जनरेशन 3 चिपसेट के साथ था, लेकिन अभी जो आ रही है वो 8 जनरेशन 4 चिपसेट के साथ आएगी। क्योंकि ये तो चिपसेट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अक्टूबर के महीने में लॉन्च होगा। और ये स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड X8 ये जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपको ये देखने को मिल जाएगा अगले साल 2025 में। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि चिपसेट लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने के बाद ही हो सकते इसी साल के एंड ऑफ मंथ में होंगे, या लेट्स सी देखते हैं क्या कुछ कैसे होंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक के लिए, वीडियो को पसंद आया जब आप लाइक करना शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।